सेवक राम को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने राजा को समझाने के लिए एक योजना बनाई। उसने बिल्ली के सामने कटोरे में गरम गरम दूध रख दिया। बिल्ली ने जैसे ही कटोरे में मुँह लगाया तो उसका मुँह जल गया और वो वहाँ से भाग गई। सेवक राम बहुत चतुर था। उसने राजा के सामने कटोरे में गरम दूध रखा और जैसी बिल्ली दूध पीने को आई उसने कटोरे में मुंह डाला, वैसे ही बिल्ली का मुंह जल गया और वो वहाँ से भाग गई। ठीक है। कुछ दिनों के बाद राजा ने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा। अब राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया, देखिए सब सैनिकों ने आए दौड़ते हुए, राजा ने बुलाया और क्या कहा, जाओ एक एक परिवार में जाकर पता लगाओ कि बिल्लियाँ को दूध पिलाया जा रहा है कि नहीं। राजा ने कहा कि जाओ, मेरा हुक्म है, और पता लगा कर आओ कि सभी घरों में बिल्ली हॉर्न को दूध पिलाया जा रहा है कि नहीं। ठीक है, ये देखिए सभी सैनिक गए और देख कर आए। उन्होंने देखा कि एक घर में कटोरा रखा हुआ है, उसमें दूध है और बिल्ली पास में बैठी हुई है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। बड़ी अच्छी स्टोरी है ना, बड़ी मीठी मीठी स्टोरी है। अब सेवक राम, अब सब सैनिक होना है। महाराज, सेवक राम ने अपनी बिल्ली को दूध नहीं पिलाया जिससे उसकी बिल्ली बहुत कमज़ोर हो गई है। उन्हें कहा कि महाराज सभी बिल्लियाँ दूध पी रही है, बस सेवक राम जो है ना वो अपनी बिल्ली को दूध नहीं पिला रहा है जिसके कारण उसकी बिल्लियाँ कमज़ोर हो रही है। तो राजा ने सेवक राम को बुलाया, क्यों सेवक राम तुम्हारी बिल्ली इतनी कमज़ोर क्यों है, क्या तुम इसे दूध नहीं पिलाते हो। उसने कहा क्यों सेवक राम तुम्हारी बिल्ली इतनी कमज़ोर क्यों है, क्या तुम इसे दूध नहीं पिलाते हो। नहीं महाराज, मेरी बिल्ली दूध पीती नहीं है इसलिए इतनी कमज़ोर हो गई है। तो बोलता, नहीं महाराज मैं तो दूध पिलाता हूँ पर मेरी बिल्ली दूध नहीं पीती है इसलिए वो कमज़ोर हो गई है। आप लोग भी अगर खाना नहीं खाओगे तो क्या हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे ना, इसलिए खाना खाना चाहिए। ठीक है, तो राजा उसको बोल रहा है कि तुम्हारी बिल्ली को तुम दूध नहीं पिलाते हो। बोलता है राजा जी मैं दूध तो पिलाता हूँ बाकी मेरी बिल्ली दूध नहीं पीती है। फिर राजा क्या बोलता, सुनो आगे, यह आश्चर्य की बात है कि तुम्हारी बिल्ली दूध नहीं पीती है, इसमें अवश्य तुम्हारी कोई चाल होगी, तुम्हें इसके लिए दंड दिया जाएगा। राजा को थोड़ा सा लगा कि यार ये बहुत चालाक है, इसमें इसकी कुछ चाल है सेवक राम की। तो उसने कहा सच सच बताओ, इसमें कोई तुम्हारी चाल है, ठीक है, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो तुम्हें दंड दिया जाएगा, तुमको पनिशमेंट दी जाएगी। तो आइए देखते हैं सेवक राम क्या बोलता है। कहता है ठीक है महाराज मुझे दंड दीजिए परंतु थोड़ा विचारिएगा। बोले ठीक है मुझे दंड दे दीजिएगा बाकी थोड़ा सा सोच लीजिएगा, क्या कहना चाहते हो। राजा ने कहा क्या कहना चाहते हो। महाराज बिल्ली को दूध पिलाना बुद्धिपूर्ण कार्य नहीं है क्योंकि बिल्ली भूखी होने पर ही चूहे को मारकर खाएगी और प्रजा अपने बच्चों को भी पर्याप्त दूध पिला सकेगी। उसने बोला सेवक राम ने कहा महाराज बिल्ली को दूध पिलाना बुद्धि वाला कार्य नहीं है क्योंकि जब बिल्ली भूखी होगी तो चूहे को मारकर खाएगी और जब चूहे को मारकर खाएगी तो सारी प्रजा सुखी हो जाएगी। कितना चतुर था क्या सेवक राम, देखा। अगर आप लोगों का पेट भरा हुआ होता है और मम्मा आपको और खाना खिलाएगी तो आप खाएंगे क्या, नहीं खाएंगे ना। तो वैसे ही कहता है कि अगर बिल्ली का पेट आपने दूध पिलाकर भर दिया तो फिर वो खाना मतलब उस चूहे को खाएगी नहीं और चूहे को खाएगी नहीं तो जो प्रजा की समस्या है वो दूर होगी नहीं, है ना। ठीक है, सेवक राम के सुझाव से राजा की आंखें खुल गई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर कहो कि सभी परिवार अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाए बिल्लियों को नहीं। राजा ने सेवक राम को इस सुझाव के लिए इनाम दिया किया पुरस्कृत किया। ठीक है, देखिए जैसे ही सब बिल्लियों का दूध बंद हो गया
तो उन्होंने क्या करा, दूध छोड़कर चूहे उनको खाने लगी। और जब चूहे उनको खाने लगी तो चूहों उनका जो आतंक था वो ख़त्म हो गया। और इस बात के लिए सेवक राम को राजा ने इनाम भी दिया और सभी घरों में बच्चों को गाय का मीठा मीठा दूध भी मिलने लगा। आप भी दूध पीते हो ना, पिया करो बेटा। हाँ, दूध ना मिलने पर भूखी बिल्लियों ने चूहे को खोज खोज कर खाया और अपनी भूख मिटाई। इस प्रकार चूहों का राज्य से सफाया हो गया तथा प्रजा की समस्या भी दूर हो गई। देख रहे ना आपने, बिल्ली कैसे ढूंढ ढूंढ के सब चूहे को खा रही है और सारे चूहों का सफाया हो गया। थी ना इंटरेस्टिंग स्टोरी, है ना? इसलिए कोई भी काम हमें अपनी बुद्धिमान और चतुराई से करना चाहिए। ओके, कल फिर मिलेंगे मीठी किताब के साथ में। तो मीठी मीठी गुड बाय। ओके बेटा।